Hey guys, this is Aziz Sayed and you are watching Aziz Vlog. So let's start. So guys, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये मेरा first vlog है और मेरा नया YouTube channel और मेरा नया घर भी है. मैं terrace पे खड़ा हूँ, घर पे नहीं, मतलब घर पे ही हूँ पर terrace पे हूँ. तो guys, वैसे तो अभी तक मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ पर मेरे को vlogs की वजह से आना पड़ा. एंड गाइज, ये जो चैनल मैंने बनाया है ये सिर्फ आप लोग के बेस में चलेगा, लाइक आप लोग को जिस पे व्लॉग चाहिए. और बेसिकली मैं बता दूँ मेरे चैनल पे आप लोग को ज़्यादातर क्या मिलेगा, फोटोग्राफी टिप्स और एडिटिंग टिप्स, पोजेस के टिप्स, टिकटॉक की स्लोमो के टिप्स और आप लोग फिटनेस, सिंगिंग ए टू जेड. और उसके बाद अगर आप लोग को कुछ और कोई और चीज़ पे व्लॉग चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता दो कि आप लोग को किस पे व्लॉग चाहिए. तो अगर मेरे को वो चीज़ नहीं पता रहेगी तो मैं कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल के, कहीं मतलब उसको कहाँ से भी उसको इन्फॉर्मेशन कैच करके एक वीडियो बना दूंगा और अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा, तो आप लोग को शायद वो समझ में आ जाए. एंड थर्ड थिंग गाइस, मेरा सेकेंड व्लॉग बनने वाला है 26th of December. बिकॉज ऑफ 26th December इसीलिए क्योंकि गाइस मैं कल थोड़ा बिजी हूँ बाहर काम के लिए जा रहा हूँ, उसके लिए कल व्लॉग नहीं बना पाऊँगा. तो परसों जो मेरा व्लॉग आएगा वो मेरे हेयर्स पे आएगा. हेयर्स पे लाइक ना केराटिन होगा ना कलर होगा, उस पर कुछ और होगा, हेयर कट होगा. हेयर कट मीन्स मैं एक ऐसा हेयर कट करूँगा जो अगर ऑलरेडी मेरे को जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है वो देख के समझ जाएगा कि मैंने किसका हेयर कट किया हूँ. समझ जाएगा यार, बता देता हूँ यार. तो मैं एकदम सिंपल चीज़ बता देता हूँ कि मैं ऑलरेडी सबसे बड़ा फ़ैन हूँ ज़ेन जवाद मलिक, और सेकेंड है जस्टिन बीबर, और थर्ड जो है जिससे मैंने इंस्पायर होकर ये चैनल बनाया हो उसका नाम है, हाँ भाई जब सोच रहे जब बॉय दानिश ज़ेहन. तो कैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा परसों व्लॉग्स आएगा, जो सेकेंड व्लॉग आएगा उसके बाद वीक में मेरे दो तीन व्लॉग तो कंपलसरी आएंगे ही. और मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली व्लॉग्स डालूँ क्योंकि गाइस मेरा कॉलेज भी रहता है, और सेकेंड थिंग मेरे को फोटोशूट्स के लिए जाना पड़ता है, टिकटॉक्स बनाना पड़ता है, फिर और कोई घर के काम रहते हैं तो उसमें थोड़ा बिजी होना पड़ता है. तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा डेली व्लॉग्स डालने की, मतलब ए टू जेड अपडेट रहने की. तो अगर आप लोग को और आप लोग को कैसा लगता है कि फोटोग्राफी टिप्स के लिए, तो अगर आप लोगों को मेरी फ़ोटोज़ पसंद है, लाइक आपको मेरी फ़ोटोज़ देखना है, आपको मेरी कोई फ़ोटोज़ पसंद है, उसकी एडिटिंग पसंद है या पोज पसंद है, आप लोग अगर मेरे को पूछना है कि मैं इसको कैसे, मतलब आपने क्या किया कैसे किया, तो ए टू जेड मैं आपको उस पर चीज़ पर बता दूंगा. तो अगर आप लोगों को मेरा स्लोमो भी पसंद है टिकटॉक पे, तो आप लोग जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है अजीज सैयद, वहाँ पे भी दो अकाउंट है मेरे नाम के, क्योंकि गाइस जून में मेरा अकाउंट हैक हो गया था तो जून में तो मैंने एक और एक नया अकाउंट बनाया. फिर उसके बाद दो महीने बाद मेरे को मेरा अकाउंट वापस मिल गया, तो मेरे पास दो अकाउंट हो गए. तो जो सेकंड वाला जो मैंने बनाया था, जो मेरा आईडी हैक हुआ था, जो सेकंड अकाउंट बनाया था, तो उसको मैं अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ. मैं ज़्यादा पहले अकाउंट पर ही ध्यान दे रहा हूँ. तो बस उसमें मेरे समथिंग 8400 फॉलोअर्स है, तो वहाँ जाके फॉलो करो और आप मेरे को DM करके बताओ कि आपको किस पर ब्लॉग चाहिए. और थर्ड थिंग गाइस, मेरे टिकटॉक का अकाउंट है, लाइक वहाँ पे भी मेरे पाँच छः सात अकाउंट है, लेकिन वो छः सात अकाउंट मेरे नहीं है, मैंने सिर्फ तीन अकाउंट बनाया था. और जो मेरा फर्स्ट अकाउंट जो मैंने बनाया था, तो उसके बाद वो फर्स्ट अकाउंट बनाने के बाद उसमें मेरे फैंस और लाइक्स अच्छे खासे बढ़ रहे थे, लेकिन बीच में कुछ रीजंस की वजह से मैंने अपना टिकटॉक्स बनाना बंद कर दिया, तो उसमें मेरे आईडी फ्रीज हो चुकी थी. उसके बाद मैंने सोचा यार सेकेंड अकाउंट बनाता हूँ, शायद उसमें फैंस और फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो मैंने वो बनाया तो उसमें भी नहीं हुए. फिर उसके बाद मैंने दो महीना टिकटॉक बनाना बंद कर दिया. फिर उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली एक महीने पहले वापस से तीसरा अकाउंट बनाया था टिकटॉक का, तो उस पर भी लाइक मेरे फैंस और फॉलोअर्स फैंस और लाइक्स आ रही नहीं थी मेरे को. तो मैंने क्या किया, वापस से जो मेरा फर्स्ट अकाउंट था जो मैंने सबसे पहले बनाया था उसी को मैंने चालू कर दिया, तो वो आईडी जो फ्रीज़ हुई थी वो वापस से सही हो चुकी है, और उसमें मेरे को लाइक्स और फैंस मेरे बढ़ रहे हैं. तो उसके लिए मैं अभी वही अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, और वो अकाउंट का नाम है अजीज सैयद वन. लाइक उसमें कोई अंडरस्कोप नहीं है, कुछ नहीं है, आप नॉर्मली AZIZSAYYED और आगे वन डाल दो, वो बता लोगे तो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा. तो आप लोग अगर मेरा कोई स्लोमो पसंद आ जाए तो आप लोग मेरे को DM करके बता दो, या कमेंट में बता दो, या इंस्टाग्राम पे किस पे भी बता दो, तो मैं आप लोगों को मतलब जैसा आप लोगों को जैसा ठीक लगेगा मेरे को वैसा बता दो, और मेरे को जैसा ठीक लगेगा जैसे आपको नॉर्मली इजी वे में लगेगा मैं वैसा आपको बता दूंगा, और एकदम इजी वे में बताऊंगा कि आप लोग कैसे स्लोमो बना सकते हो. और गाइस आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो अगर आप लोगों को मेरा स्लोमो जो देख रहा है, मतलब जो अगर आप लोग अगर जाके मेरा स्लोमो देखोगे तो उसमें एकदम अलग स्लोमो दिखेगा आपको, और उसमें लगेगा, लेकिन उसमें लगेगा कि आप लोगों को कि मैंने दो तीन दिन की हेल्प लेके बनाया, पर ऐसा कुछ है नहीं, वो यही डोर की स्लोमो आपको ज़्यादा दिखेगी. और उसमें मैंने अकेला शूट खुद ही किया हूँ, साउंड भी खुद चालू किया हूँ,
और मैंने एडिटिंग मीन्स पूरा ऑलराउंडर मैंने खुद सब किया, ए टू जेड मैंने खुद किया हूँ। तो गाइज़ अगर आप लोग को जानना है कि मैंने वो कैसे किया, अगर आप लोग के साथ कोई है नहीं तो आप लोग अगर अकेले हो घर पे या अकेले रहते हो या अकेले आपको टिकटॉक्स ही बनाना है तो अकेले आप लोग कैसे बना सकते हो, तो उस पर भी मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग को कैसे बनाना चाहिए सिंगल। तो गाइज उसके लिए आप लोग को मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, तो इससे आपको मेरे आगे की व्लॉग की नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तो